फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ दीपाली शाह, योर साइंस टीचर। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ओके। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें जो है हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और थर्ड क्या है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। अब हमें कि न्यूट्रिशन जो है वो किसने पैदा, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है क्या, और ये हम जो खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, उस फूड में क्या होता है। फूड में जो है ना वो उसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको क्या कहते हैं, इनको न्यूट्रिशंस कहते हैं। और ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी के सेल्स के लिए, उसके रिपेयरिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट ये कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको न्यूट्रिशन कहा जाता है, ओके। अब ये न्यूट्रिशन जो है वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मीन्स प्लांट्स में भी जरूरी है, एनिमल्स में भी जरूरी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी जरूरी है, ये सब के लिए जरूरी है। बट टुडेज टॉपिक इज अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है कि हाँ, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, उनके बॉडी को एनर्जी गेन करने के लिए, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए क्या चाहिए, उनको फूड चाहिए, और उसी फूड में क्या कंटेन होता है, न्यूट्रिशन कंटेन होता है, ओके। तो वो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो मैंने आपको पहले ही लिख रखा है, ओके। और फर्स्ट जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और सेकेंड क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम जानेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ओके। The process of providing providing or obtaining the and some bacteria
किया है जितने भी लाइक ह्यूमन एनिमल्स एनिमल्स ह्यूमन एंड ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। They all are heterotrophs. Okay? तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया आपका। और एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कि वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड के थ्रू जिससे उनके उनके बॉडी में ग्रोथ होता है, उनके बॉडी का हेल्थ बनता है, उनके बॉडी के जो सेल्स होते हैं टिश्यूज अगर किसी तरह से डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर होता है, उनको एनर्जी मिलती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। ओके, इसके बाद इसके टाइप्स क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको क्या कहते हैं ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं ह्यूमन हैं फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कहलाते हैं हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, that living organisms make their own food by the process of photosynthesis। ठीक है, कि वो न्यूट्रिशन जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना खुद खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। अब ये फोटोसिंथेसिस में क्या रॉ मटेरियल होता है और उसके रॉ मटेरियल से क्या कौन सा चीज जो है या कौन सा सब्सटेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं, अब हम इस प्रोसेस को देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है। एग्जाम्पल में आपको पता है क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ओके, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या है,
सनलाइट एंड वाटर, ठीक है। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो H2O है मीन्स की जो वाटर है वो कहाँ से लेते हैं, वो वाटर लेते हैं वो सॉयल से, ठीक है। और लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो सनलाइट है वो उसको कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है, ठीक है। अब इसके प्रेजेंस में ही जो प्लांट्स होते हैं वो किस चीज को प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ये क्या है आपका, ग्लूकोज, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ओके। ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और किसके प्रेजेंस में होगा, ये लीव्स में क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल क्या होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसके कारण लीव्स का कलर ग्रीन होता है। तो ये हरी ग्रीन प्लांट्स में होता है, ये होना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है, सनलाइट का होना भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सबका होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ओके। तो जब ये सारी चीजें होती है, अवेलेबल होती है, उस टाइम पे प्लांट्स जो है वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। और ये ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके फ्रूट्स में, उनके लीव्स में भी होते हैं, उनके स्टेम में भी होता है, हर जगह ये ग्लूकोज जो है वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। वो भी किसके किसमें होता है, वो भी
होता कैसा है, वो क्या होता है एक बीन शेप में ऐसा इस टाइप से होता है, जिसको क्या कहा जाता है गार्ड सेल्स। ओके, इसमें ये स्ट्रोमा होते हैं। तो ये क्या है, ये होते हैं गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है जिसमें ये गार्ड सेल्स होते हैं और इसलिए इसमें छोटे छोटे स्ट्रोमास होते हैं। अब इसी में ही जब ये श्रिंक करता है तो श्रिंक होने की वजह से क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है। ओके, तो क्लोज हो जाता है और जैसे ये स्वेल होता है तो स्वेलिंग की वजह से ये क्या हो जाता है, फूलने की वजह से ये ओपन हो जाता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज और ओपन होता है। कब क्लोज होगा, ये जब स्वेल करेगा तो क्या होगा, वो फूल जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब वो श्रिंक करेगा, श्रिंक करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसी को ही क्या कहेंगे, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कहेंगे। ओके, क्या होते हैं।
आपको पता है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो, ओके? तो हम लोग अभी पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके? या पैरासाइट्स तो वो ऑर्गेनिज्म है, पर जो न्यूट्रिशन है उसको क्या कहेंगे हम? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो जैसे हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ जो पॉइंट रहेगा, जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो क्या रहेगा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ओके? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले कि पैरासाइट्स होते क्या है, क्या होते हैं पैरासाइट्स? कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वैसे न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं, ठीक है? और जैसे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कि एक प्लांट है, उसके ऊपर कोई दूसरा प्लांट जो है अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड कर रहा है, तो वैसे न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे, ओके? अब यहाँ पे देखो कि जो एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कि आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स जो है वो क्या है। इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जो डिपेंड कर रहे हैं, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दूसरा वाला डिपेंड कर रहा है। बट तो यहाँ पे आपको जो नेमिंग वर्ड है यहाँ पे दोनों का डिफरेंट है, ठीक है? एक को क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। होस्ट पैरासाइट किसको कहते हैं? जो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे प्लांट पे, उसको पैरासाइट कहते हैं। और एनिमल किसको कहते हैं? सॉरी, होस्ट किसको कहते हैं? होस्ट कहते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके? पैरासाइट जो है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके? और होस्ट जो है वो पैरासाइट को क्या देता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर है आपको कि पैरासाइट्स और होस्ट में क्या डिफरेंस है? इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा? जैसे कसकटा, एग्जांपल कसकटा, मस्टेल्जो, ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो कसकटा जो है ये एक तरह का एक बेल की तरह होती है जो एक प्लांट के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है। मतलब सारा न्यूट्रिशन जो है वो उसको कहाँ से मिलेगा? उस होस्ट प्लांट से मिलेगा। कसकटा क्या है? एक पैरासाइट है, और ये जिसके ऊपर, जिस प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है? इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस, ओके? नेक्स्ट क्या है हमारा? इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस किसको कहते हैं? जो क्या करता है? जो प्लांट दूसरे इंसेक्ट को कंज्यूम करता है, ठीक है? एक प्लांट जो दूसरे इंसेक्ट को खाता है, वैसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? इंसेक्टिवोरस प्लांट में जैसे एग्जांपल हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट। ये प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे ईट इंसेक्ट्स फॉर गेटिंग न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन होते हैं? जो किसको इंसेक्ट किसको ईट करते हैं? इंसेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल क्या हो गया? वीनस फ्लाई ट्रैप, और दूसरा क्या हो गया? पिचर प्लांट, ठीक है? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है?
ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे जो डेड और डिकेइंग मैटर पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं, वो ये है सैप्रोट्रॉप्स। ओके, अब न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसमें, कि प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन, प्लांट्स दैट depend on dead or decaying matter is called as saprotrophic nutrition. Saprotrophic न्यूट्रिशन। अब इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इसके एग्जांपल में हो जाएगा जैसे मशरूम। एग्जांपल क्या है, मशरूम। ठीक है, अब मशरूम जो है वो क्या होता है कि जहाँ पे मतलब कोई भी एक मान लो कि प्लांट्स जो है वो किसी तरह से वो जब वो डेड हो जाते हैं तो जब वो वहाँ पे थोड़ा सड़ जाता है तो वहाँ पे मशरूम जो है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है और वो इनको न्यूट्रिशन जो है वो वहीं से मिलता है। जब जैसे कोई भी डेड और डिकिंग मैटर जो होता है ना उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है ना बहुत ही मतलब कि सिंपल सब्सटेंस के रूप में होते हैं, वो इजीली उसको कंज्यूम करते हैं और उनकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाती है। ओके, तो ये आपका सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, व्हाट इज सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस क्या होता है कि जिसमें जैसे जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो म्यूचुअली क्या करते हैं कि एक दूसरे से म्यूचुअली एक दूसरे से मतलब कि दोनों को एक दूसरे से प्रॉफिट होता है, दोनों एक दूसरे से लाभ उठाते हैं। ओके, तो वो उस टाइप का रिलेशनशिप जो होता है उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। इसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे पे किसी ना किसी तरह से फायदा लेते हैं, किसी ना किसी तरह से उनको प्रॉफिट होता है, दोनों तरफ से वो उसका फायदा लेता है तो दूसरा वाला उससे फायदा लेता है। तो ऐसे में दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें या दोनों का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है इसी को क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा जैसे लाइकेन। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, और आपको कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब।